तो हाय एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग? आई होप कि आप अच्छे अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ, और ये एक्चुअली एक वीडियो नहीं होने वाला, एक्चुअली एक पूरी सीरीज़ होने वाली है, जो कि एक राइडिंग सीरीज़ भी होने वाली है, एक एडवेंचर सीरीज़ भी होने वाली है। और जिन लोगों को बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनके लिए मैं IBW का, यानी कि इंडिया बाइक वीक 2023 का भी बहुत सारे वीडियोज़ इसमें पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। एक्चुअली जब मैंने राइड स्टार्ट किया छत्रपति संभाजी नगर से गोवा के लिए, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो ख़राब हो चुका था, मतलब काम ही नहीं कर रहा था। और ये मुझे बात पता चली जब मैं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर राइड करने के बाद जब मैं सातारा पहुँचा, तब जाके मुझे पता चला कि मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो चुका है और जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो कुछ भी नहीं हुई है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट पूरे वीडियो में मैंने वॉइस ओवर किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार इस बार के लिए से। और ये जो राइड होने वाली है वो एक्चुअली छत्रपति संभाजी नगर, उसके बाद में अहमदनगर, उसके बाद में बारामती के पास में पुणे, फिर सातारा और कोल्हापुर से होके निपाणी, फिर गोवा, ऐसा ये राइड रूट होने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंजॉय करना, और वीडियो कैसा लगा आपको वो भी आप बाद में कमेंट करना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार सबको, और मैं रेडी हो चुका हूँ मेरे सबसे पहली लॉन्गेस्ट राइड के लिए। और देखिए ये सब मैंने पहन चुका हूँ, ये कि हैंड गार्ड है और लेग गार्ड पहन लिया है मैंने इसलिए। और ये देखो ये बाइक रहने वाली मेरी लॉन्ग राइड के लिए, ये कुछ मैंने सेटअप ऐसा किया है, बैग वगैरह पैक कर लिया इसके ऊपर। और अभी मैं हूँ जालना रोड हाईवे पे, और देखिए कितने सुबह सुबह हम निकलने वाले हैं। और आपको राइड के बारे में बता देता हूँ कि ये होने वाली है छत्रपति संभाजी नगर से गोवा तक की राइड, जो कि टोटल 700 किलोमीटर रहेगा वन वे, और आने जाने में लगभग हमको राउंड फिगर 1500 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। तो आई होप ये जर्नी जो है आप बहुत अच्छे से देखोगे। और ये जो जर्नी होने वाली है वो छत्रपति संभाजी नगर से लेकर अहमदनगर पुणे सातारा कोल्हापुर, और फिर एक आगे का लोकेशन होता है उसका नाम मैं भूल गया, जो कर्नाटक से होके जाता है, और उसके बाद में वो जाएगा सीधे गोवा में। तो उसी की राइड होने वाली है, और आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को। और इस राइड में मेरे साथ होने वाला है मेरा एक दोस्त, ये देखिए ये अक्षय है, हाय अक्षय। और इसका भी यूट्यूब चैनल है, इसके चैनल पे भी वीडियोज आने वाले, जाके इसके चैनल पे सब्सक्राइब करना। और ये देखिए पूरा गेयर सेटअप करके वो रेडी हो चुका है। चलिए अभी निकलते हैं राइड के लिए। तो फाइनली अभी निकलते हैं, और ये बैग वगैरह हम प्रॉपर रख देते हैं। और दो बैग जो है हमने, एक्चुअली हमारे पास टोटल तीन बैग है, एक बैग जो मैं अपने पैर पर रखने वाला हूँ, दूसरी बैग हमने बांध ली है साइड में, और अक्षय ने एक छोटी सी बैग पहन के रखा है सामने। तो चलिए अभी निकलते हैं हमारी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी के लिए, जो कि पिजन राइड में करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरी जो बाइक है उसमें थोड़ा सा कुछ इशू था, इसलिए मैं लॉन्ग ड्राइव राइड पे उसको लेके नहीं जा रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसा रहता है, क्या रहता है, और निकलते हैं अभी जालना रोड से। ओके, तो राइड पे निकलने से पहले हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, और ब्लेसिंग्स हम उनके लेने वाले हैं, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जय शिवराय, और हमको ब्लेस करना। चलिए निकलते हैं। तो अभी रुके हम पेट्रोल भरने के लिए, तो पहले हम टैंक बुक करेंगे 1000 रुपये की, और बाद में हमको फिर ज़्यादा रुकना ना पड़े इसके लिए, निकलते हैं जल्दी से। उसके बाद में देखो अभी ये हम आ गए ऑलमोस्ट वॉल्स के पास में, 20 किलोमीटर हो गए हमको निकल गया अभी, और सनराइज़ होने वाला है, जो कितना प्यारा प्यारा सनराइज़ दिखे। काफ़ी महीनों के बाद में मैंने सनराइज़ देखा है, क्योंकि मैं ऐसे निकलते नहीं हूँ राइड पे इसके लिए। और देखो ये आगे है पहला टोल नाका, KT संगम करके ये है, और उसके बाद में पता नहीं और कितने टोल नाके लगने वाले हैं हमको। मेरे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रूट पे।
देख रहे हो, ये चौक से अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आपको पुणे में जाने मिलेगा, और यहाँ से लेफ्ट अगर लेते हो तो भी आपको पुणे में जाके मिलेगा, लेकिन ये अलग वाला रूट है, ये थोड़ा पास आपको रहेगा। तो हम यही वाला रूट चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको जल्द से जल्द कोल्हापुर पहुँचना है पहले, इसी के लिए। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अभी 12:123 पलटन 145 और कोल्हापुर 350। कोल्हापुर हमको पहले पहुँचना है, यही हमारा टारगेट है, उसके बाद में हम जाएंगे गोवा को रुकते रुकते। पहले चाय पी लेते हैं, तो हम अभी रुके हम चाय के ब्रेक के लिए, और बहुत ही बढ़िया ये होटल हमको मिली है, बहुत ही सुकून है, और गर्मा गर्म चाय पियेंगे अभी, और इसके बाद में छोटा सा ब्रेक होने के बाद में मैं करूँगा राइड इस बाइक की। चलिए निकलते हैं, अभी मैं राइड करूँगा बाइक, और ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर के बाद में मैं स्टॉप हूँ। वाह क्या रोड है यार सीमेंट का, बढ़िया। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो गार्ड सेकंड गार्ड लग चुका है, और ये मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा आपको आवाज़ रहेगा क्योंकि मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो गया, जैसे कि आपने स्टार्टिंग के पहले ही देख लिया वीडियो में, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको प्रॉपर आवाज़ मिलेगा रियल टाइम वाला। तो ये पहला ऑफ रोडिंग हमको लग चुका है, और देखिए सामने ट्रेन भी आपको दिख रही, तो जल्दी आते हैं गेट के पास में, और बहुत ही गंदी वाली है ऑफ रोडिंग, बहुत ही ज़्यादा रास्ता खराब है। तो चलिए निकलते हैं अभी गेट के पास से, क्रॉस करते हैं और जाते हैं अपन डेस्टिनेशन कोल्हापुर के, और बहुत ही अच्छा मज़ा आता है यार जब से राइड के लिए निकलते हैं। ये और देखिए डिंडी जा रही है, क्या बात है, यही तो हमारी कल्चर है यार माशा। ये सेकंड वाला टोल का काम आ गया है, पता नहीं कौन, और एक पता नहीं कौन सा भी रिवर लगा था पीछे। ओके अभी हम 12 के पास में पहुंच गए, ऑलमोस्ट यहाँ से 12 कुछ 10-12 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, बट वहाँ पर नहीं जाना है हमको, अभी जाना है कोल्हापुर को, और यहाँ से देंगे राइट। और देखो फाइनली हम आ गए अभी हाईवे के पास में, क्योंकि सुपर एक्सप्रेस वे आई थिंक। तो आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको सोलापुर मिलेगा, और राइट में अगर आप जाओगे तो आपको पुणे लगेगा। तो हम जाने वाले हैं राइट, यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम, और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस है, और हमारी अभी स्पीड बढ़ेगी यहाँ से, देखिए स्विंग। और यही तो लाइफ के मजे है यार, मतलब हम 4-5 दिन काम करेंगे, उसके बाद में फिर 5-6 दिन की छुट्टियाँ लेके, तभी तो हम लाइफ इंजॉय करते हैं। तो अभी हम रुके सेकेंड ब्रेक के लिए, इसके आगे अभी अक्षय चलाएगा, और इसका आगे का वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा अभी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो सीरीज़ होने वाली है वो ऑलमोस्ट होने वाली है 10-12 ब्लॉग्स, इस पर रहने वाले हैं गोवा के रिलेटेड, IBW के रिलेटेड, प्लस छत्रपति संभाजी नगर से कोल्हापुर का हाईवे रोड का जो एक्सपीरियंस रहेगा राइडिंग का वो रहेगा इसमें, प्लस कोल्हापुर का भी कुछ जो प्लेसेस है वो मैं एक्सप्लोर करूँगा गोवा का, प्लीज़ सपोर्ट करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ कीजिए और हेलमेट जरूर पहनिए। बाय बाय एंड टेक केयर। तो अभी मैं ओके वेलकम बैक टू माय यूट्यूब, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हो अक्षय 89।